नींबू पानी के साथ ढोकला बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो बहुत ही टेस्टी सा नींबू पानी के साथ बनाया है ये ढोकला, बहुत ही अच्छा सा कुक हुआ है, बहुत ही अच्छा सा स्पॉन्जी सा इसका टेस्ट है, स्पॉन्जी और बिल्कुल जालीदार जो ढोकला बन के तैयार हो चुका है। तो इसी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बना लेते हैं, बताऊंगी जिसके कारण आपका ढोकला है बहुत ही अच्छा बनेगा। आपने कई बार ढोकला बनाया होगा लेकिन ढोकला कई बार कोई ना कोई कारण की वजह से वो अच्छी तरह से जालीदार नहीं बन पाता है, तो वही सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पैकेट वाला बेसन है वो यूज़ करना है, आप भी पैकेट वाला बेसन ही यूज़ करना, ताकि जो आप खुला बेसन ले लेते हो वो हम नहीं यूज़ करेंगे। उसी के साथ हम लेंगे सूजी और बेकिंग पाउडर, 4 नींबू की हमें ज़रूरत पड़ेगी और साथ में थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्ची। तो प्रॉपर मेजरमेंट एक ही तरह की कटोरियां हम फ्रेंड्स लेंगे, जो भी हमने मेजर करना है एक ही कटोरी से करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका ढोकला कितना अच्छा बनेगा, कितना टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसकी प्रोसीजर है वो शुरू कर देते हैं। कटोरी हमने पानी की ले लेनी है, ये वही कटोरी है जिससे हम बेसन वगैरह मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी, 1 चुटकी काला नमक, 1/2 चम्मच के करीब व्हाइट नमक, 2 चुटकी हल्दी। अब हमने 2 नींबू का रस है इसमें वो डाल देना है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हमने 1/2 कटोरी सूजी है वो डाल देनी है। इसी कटोरी से फ्रेंड्स हमने एक कटोरी है जो बेसन है वो ले लेना है, इसको हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक ये लम्स है बिल्कुल खत्म नहीं हो जाए। साथ ही डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 और बहुत अच्छे से इसको चलाएंगे, क्योंकि जितना हम इसको फेंटेंगे उतना ही जालीदार ढोकला हमारा वो बनकर तैयार होगा। बिल्कुल अच्छे से हमने इसको फेंटना है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, दही नहीं है, इनो नहीं है, तो आप घर के सामान से ही ये ढोकला है बनाकर तैयार कर सकते हो और मिनटों में ये तैयार भी हो जाता है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये ढोकला बनके तैयार होगा, आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट इसका आने वाला है। तो अब इसको फेंटते फेंटते मैंने 1 मिनट ऑलरेडी कर लिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। इसको हमने ढक के रख देना है, तब तक हम अदरक और मिर्ची को फिर से काट लेते हैं जो हमने तड़का तैयार करना है, क्योंकि अदरक इसमें बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो अदरक को हमने कद्दूकस करके इसमें डाल लेना है। तब तक हम गैस को ऑन करेंगे, इस पे रखते हैं कढ़ाई और इसमें हमने पानी डाल देना है। और इसमें एक ऐसा स्टैंड रख देंगे और पानी को अच्छे गर्म होने देंगे, इसको ढक देते हैं। तो जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम अपने बैटर को देख लेते हैं। अब इसमें जो चॉप किया हो अदरक है, कद्दूकस करके भी आप डाल सकते हो। तो अदरक मिक्स कर लिया है हमने। अब फ्रेंड हमने इसमें अजंता का बेकिंग पाउडर जो आता है वो हमने 1/2 चम्मच ले लेनी है, कोई हमने इनो वगैरह यूज नहीं करना है। तो ये हमने इसको डाल के इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से, तो इससे ये एक्टिवेट हो जाता है। 2 मिनट इस तरह से छोड़ेंगे हम इसको, तो अब इसको हिलाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इनो का ही काम करता है, अगर आपके पास इनो नहीं है तो
बेकिंग पाउडर तो हर घर में तकरीबन होता ही होता है, तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको फेंट लेना है। जितना हम इसको फेंटेंगे उतना ही हमारा ढोकला है वो अच्छा बनेगा। तो एक बाउल ले लेंगे सिल्वर का, हमने जो बर्फ जमाने वाला बाउल होता है उसमें हमने सारे बैटर को डाल देना है। इसको अच्छी तरह से हमने टैप कर लेना है। पानी में भी बॉयल आना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छे से पानी है वो उबल रहा है। तो अब इसको आसानी से हमने इसमें रख के और ऊपर से ढक देना है। पूरे 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक के पकाना है पैन, तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। वो भी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अभी गैस इसका ऑन ही है, मैंने अभी चेक भी नहीं किया है। तो तब तक हम तड़का तैयार करेंगे ढोकले को लगाने के लिए। सबसे पहले हमने गैस को कर दिया है ऑन, इसकी फ्लेम को बिल्कुल हमने कम कर लेना है और इसमें रखेंगे तड़का पैन। 2 चम्मच हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसको गर्म होने देते हैं अभी। अब डाल देंगे मोटे वाली राई, साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई हींग, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब डाल देंगे कड़ी पत्ते, साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च। अब गैस को बंद कर देंगे। में पानी डाल देंगे। नींबू मिंच छोड़ देंगे। आधा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक। अब इसको अच्छे से हिला के हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम अपना ढोकला देख लेते हैं कि किस तरह से वो कुक हो चुका है, तो इसको हमने इसी तरह से पड़े रहने देना है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर लेना है। अब फ्रंट टूथपिक से हम देख लेंगे, टूथपिक बिल्कुल साफ निकल रहा है। ये देखिए, इसका मतलब है ढोकला है हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो बिल्कुल अब इसको अभी 5 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो देख लेते हैं ढोकला हमारा कैसा बना है। बिल्कुल चाकू लगा के देखेंगे तो चाकू है बिल्कुल साफ आ रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ढोकला है वो कुक हो चुका है। चारों तरफ से मैं चाकू लगा के आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ढोकला है वो कुक हो चुका है और बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहा है। तब इसको हमने साइड से अलग कर लेना है। एक प्लेट लेंगे, इसको हमने सीधी करके इस तरह से हल्का हल्का टैप करना है। तो
से ढोकला बिल्कुल अच्छी तरह से शेप इसकी प्रॉपर आ चुकी है। तो अब इसको हमने कट कर लेना है। तो ढोकला बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए आप जालीदार ढोकला है वो बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल स्पंजी। बहुत ही अच्छे से ये ढोकला चारों तरफ से बबल्स वाला जाली वाला ढोकला है जो हमने बिना इनो के बनाया है, तो बहुत ही अच्छा सा ये कुक हो चुका है। अभी इसके ऊपर हम तड़का डालेंगे। अगर आपको भी ढोकला खाना बहुत पसंद है लेकिन आपके घर में वो कई बार नहीं बन पाता है, लेकिन आज आपके साथ नींबू पानी के साथ ढोकला बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि आपको बाजार से कुछ भी नहीं लेके आना है और ढोकला बना लेना है। तो बहुत ही अच्छा सा ढोकला आज हमने बना के अपने घर पे तैयार किया है, बिल्कुल स्पॉन्जी ढोकला है और बहुत ही जालीदार ढोकला बन के तैयार हो चुका है। तो इसी की रेसिपी आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस आसान सी रेसिपी को किस तरह से हम इजीली बना सकते हैं। तो तड़के के पानी को हमने आराम आराम से ढोकले के ऊपर डाल देना है। और 5 मिनट के लिए इसको हमने इसी तरह से छोड़ देना है ताकि जो इसका रस है वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। ढोकले में अच्छी तरह से हमने इसको फैला देना है और पीसेस के ऊपर इसी तरह से हम इसको डेकोरेट करते हैं, इसी तरह से इसको खाते हैं। तो चलिए, अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ढोकला बनाने की तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।